ये बात इसलिए कि दक्षिण राजस्थान के एक बड़े आदिवासी नेता समेत कुछ और नेता बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यह सभी नेता कांग्रेस के हैं और अपने अपने इलाके में मजबूत पैठ रखते हैं। लोकसभा चुनाव में फिर क्लीन स्वीप की तैयारी। कांग्रेस में बड़ी सेंध मारी। इस बार रणनीति हो रही है तय। कांग्रेस में भय। पहले फेज में आदिवासी क्षेत्र, दूसरे में मारवाड़, शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान पर नजर। मिशन 25 होगा साकार। अब की बार एनडीए 400 पार। लोकसभा चुनाव में लगभग 2 महीने का समय ही अब बाकी रह गया। ये बात और है कि बीजेपी के मुकाबले के लिए बनाया गया इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरता रहा है। लेकिन बीजेपी खुशफहमी में रहने वाली पार्टी नहीं, इसलिए जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक उसके लिए जुटी रहती है और यही बात इस पार्टी को आम से खास बनाती है। तभी 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी अपना कुनबा और बढ़ाती जा रही। महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार, बिहार में नीतीश कुमार, यूपी में जयंत चौधरी पाले में आ चुके हैं। अब आंध्र में चंद्रबाबू नायडू, पंजाब में अकाली दल से भी बातें चल रही और इसी कड़ी में राजस्थान में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। इसके लिए उसने फेजवार रणनीति बनाना शुरू कर दिया। पहले फेज में आदिवासी बेल्ट में मजबूत जनाधार वाले नेताओं को पार्टी में लाने की तैयारी है। क्योंकि राजस्थान में आगामी लोकसभा में भाजपा द्वारा मिशन 25 को पूरा करने के लिए चारों तरफ अपनी गोटियां बिठा रखी हैं। बात हाड़ौती संभाग की करें, शेखावटी संभाग की बात करें या पूर्वी राजस्थान की, तमाम तरह केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से कांग्रेस की आंतरिक कलह का लाभ उठाना चाहता है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के चाचा रिछपाल मिर्धा के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा जयपुर, भीलवाड़ा और पूर्वी राजस्थान से जुड़े पूर्व मंत्रियों के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें खूब हो रही हैं। इस लिस्ट में पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, उदयलाल आंजना, लालचंद कटारिया को लेकर लंबे समय से सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने की कतार में कई ऐसे कांग्रेसी नेता भी हैं जिन्हें जांच एजेंसियों के रडार पर होने का खतरा है। विधानसभा चुनाव में जिन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा, उन इलाकों में बीजेपी का फोकस कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को अपने पाले में लाने का है। कांग्रेस के कई हारे हुए पूर्व मंत्रियों पर भी बीजेपी की नजर है, क्योंकि सियासी समीकरणों के हिसाब से कुछ इलाकों में कांग्रेस के हारे हुए चेहरे बीजेपी में आते ही जिताऊ बन जाएंगे। पूर्वी राजस्थान में धौलपुर और बूंदी में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। पूर्वी राजस्थान के एक पूर्व मंत्री को बीजेपी में शामिल कर समीकरण साधने की तैयारी है। पूर्व मंत्री के बीजेपी के नेताओं से अच्छे संबंध भी हैं। खबर है कि सीकर, झुंझुनू, चूरू और नहरी क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। वागड़ के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भारतीय आदिवासी पार्टी के उभार ने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया। बीजेपी को बांसवाड़ा, डूंगरपुर की 9 में से केवल 2 सीटें मिली। बांसवाड़ा की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि डूंगरपुर में 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से बीजेपी की हालत इस इलाके में कमजोर है। आदिवासी इलाके में बीजेपी को मजबूत नेता की तलाश थी, इसलिए बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर नजरें गड़ाए बैठी है। मालवीय और दूसरे कांग्रेस नेता अगर बीजेपी में आते हैं तो इसका लोकसभा चुनाव में सीधा फायदा होगा। मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके पास जनाधार है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक भाजपा के बराबर रहा, इसलिए भाजपा इस वोट बैंक के अंतर को पाट करके मिशन 25 को पूरा करने की भरपूर कोशिश में जुटी है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान को पानी के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। हथनीकुंड बैराज से सीकर, चुरू और झुंझुनू जिले को पानी मिलेगा। दरअसल दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता हुआ। हथनीकुंड बैराज के 3 पाइपलाइन का पानी राजस्थान और 1 लाइन का पानी हरियाणा को मिलेगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच जल शक्ति मंत्रालय की मध्यस्थता से हुआ है फैसला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इसमें बड़ा योगदान रहा। ईआरसीपी परियोजना के बाद राजस्थान को ये दूसरी बड़ी उन्होंने परियोजना की सौगात दिलवाई।
राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और चूरू इन तीन जिलों के, जहां तीनों ही जिलों में पेयजल के पानी की भी उपलब्धता नहीं है, वहां पानी ले जाने के लिए एक डीपीआर बनाने का समझौता आज हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में दोनों के अधिकारियों ने दस्तखत करके किया है। हथनीकुंड बैराज पर हरियाणा की एलोकेशन के अनुरूप उनके चैनल्स के जितनी कैपेसिटी है उसको पूरा करने के बाद राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप पानी राजस्थान द्वारा बनाए जाने वाले चैनल्स जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। विस्तृत रिपोर्ट बना करके, इस पर विस्तृत डीपीआर बना करके शीघ्र हम इस दिशा में आगे बढ़ें, इस पर हम मिलकर के गति के साथ काम करेंगे। राजस्थान को पीने का पानी की आवश्यकता है, बहुत वर्षों से पानी मानो उनको एक चैनल उसका नहीं बन पा रहा था, तो वो चैनल बनाने के लिए आज एक डीपीआर करने बनाने के समझौता हुआ है। उसमें चार पाइपलाइन के माध्यम से पानी जाएगा, जिसमें से तीन पाइपलाइन का पानी तो राजस्थान को मिलेगा, एक पाइपलाइन साथ में जो हमारा हरियाणा का बॉर्डर एरिया है राजस्थान हरियाणा, जिसके अंदर जिला झुंझुनू, जिला दादरी और जिला हिसार, उस एरिया की पानी की आवश्यकता भी उसे पूरी होगी। और इसमें बाकी जो समझौता है दिल्ली के साथ हमारा जैसा पहले चल रहा है वेस्ट यमुना कनाल का, वो भी उसके अंदर ही शामिल होगा। बहुत लंबे समय से लंबित योजना थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार कभी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ वो कहते ही कहते हैं। हमारे राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और माननीय खट्टर साहब ने बड़ा दिल करते हुए और पूरी तरह से इस योजना को, क्योंकि इसमें तीन पाइपलाइन राजस्थान की और एक पाइपलाइन हरियाणा की उसमें डलने वाली है, क्योंकि हरियाणा का भी बॉर्डर तक पानी जाने वाला है, इसके लिए हमारी आज डीपीआर के लिए सहमति सभी को हुई है। और हमारा जो पानी का हिस्सा है हरियाणा का जितना है वो हरियाणा रखेगा, और हमारा जितना हमको राजस्थान को मिलेगा इस पर पूर्ण सहमति हमारी हुई है। और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि हमारे जिले तीन जो जिले हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू, वास्तव में पानी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ होती थी। हम राजस्थान के इन तीनों जिलों में पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था इसके माध्यम से हमारी होगी। झुंझुनू के पिलानी में फर्जी ईडी और मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर एक ठगी का मामला सामने आया है। एक संस्थान में कार्यरत 57 साल की महिला से 3 महीने में इन ठगों ने 7,67,00,000 रुपए ठग लिए। यह मामला साइबर थाना झुंझुनू में दर्ज किया गया है। महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि अक्टूबर 2023 में उसके पास एक कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महिला के आधार कार्ड